वहां मिली होती तो मैं यहाँ शायद मौजूद होता लेकिन किसी और रूप में होता, उससे बेहतर मैं कह सकता। तमाम बच्चों को उनके क्राइटेरिया की बुनियाद पर उनके मार्क्स हैं और ज़हनी रुझानात जो सबसे आम बात है जिसको आप सारे भूल जाते हैं, उसका जो रुझान है उसको कैसे सिस्टम कर लेंगे। बाजवा साहब हमारे पास बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, इनके दोस्त हमारे भी दोस्त हैं जी, सर क्या नाम है, नजीमिया नजीर साहब, आसिफ साहब हैं हमारे सारे, ये बड़े आप लोग बड़े ज़हनी लोग हैं, तो आपकी काविश और उन दोस्तों की काविश से हम उनके जहन को परख सकेंगे कि इनका रुझान क्या है, उसके मुताबिक हम उनको गाइडेंस दे सकेंगे और हम पूरी सहूलत प्रोवाइड करेंगे। दो स्टेप पे करने की कोशिश करेंगे जी, और एक ख्याल ये है कि हम जो है सेशंस जब मैट्रिक के क्लास के एंड होने वाले होते हैं तो स्कूल्स में जाकर जैसे लोग अपने एडमिशन के लिए आते हैं तो हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है काउंसलिंग करें। और मेरी एक और बड़ी ख्वाहिश यह है कि जो असाज़ा काम दूसरों के आ सकें, जैसे राणा साहब ने एक बात बताई थी कि मैं बच्चों को सर आई रियली सल्यूट यू कि आप ऐसा करते हैं, और मेरी जिंदगी का सर पहला वाक्य है कि सर कहते हैं मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ कि कितना काम तुम कर सकते हो, लिख लेता हूँ, लिखवा लेता हूँ और अगले दिन वही सुनता हूँ। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है या उस्ताद का काम है। तो मैं आपको ये इस तरह की जो बात है हम मिलकर अगर करेंगे तो बच्चों को कंट्रीब्यूट करेंगे, खासतौर से मैं एफर्ट्स हैं उनको, ऐसा बंदा मैंने कम देखा है कि इतना तेज और हर जगह चल जाता हो और हर माशरे में काम कर जाता हो, हर तरह के इंसानों से मिल जाता है और सर ग्रेट आदमी है, ये काम लोगों में क्वालिटी है ना, तो अगर हम इसको चैनलाइज कर लेंगे तो बड़ी बात है। बाबा साहब हैं, पैशनेट उस्ताद हैं, अगर हम इनके पैशंस को यूज कर लिए, अगर हमने कर लिया तो कमाल है। सर हमारे पास बैठे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में बड़े प्रोफेसर हैं, इनकी साहित्यों को अगर हम मेन सिटी में ला सके तो हमारे लिए, अब अनवास साहब जिनका मैं खुद मोहतरफ हूँ, इतने कारीगर हैं जी ये इन चीज़ों के कि बच्चों के जहनों में आम बड़ी मुश्किल सी बात को बड़ी आसानी से नक्श कर लेते हैं बड़े। और आपने खालसा बैठे हैं, कई यूनिवर्सिटीज में चक्कर लगा के फिर स्कूल में खिदमत करने आ गए हैं, बड़ा काम है इनका जी। तारक साहब हैं मेरे अजीम उस्ताद भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं स्कूल में, और मेरे यहाँ जब मैं पहुँचा हूँ इनका बड़ा हाथ है या शरारत है, मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी और इनकी खातर जी मैं आज ओपनली कहता हूँ अपने इनकी एक बात की मोटिवेशन से मैंने अपनी जॉब छोड़ी। आप बिलीव शायद करें कि नहीं, मेरे वालदैन ने कहा भाई, मेरे कहते हैं यार लोगों को जॉब नहीं मिलती तुम दो दफा छोड़ बैठे हो, आर्मी एटलीट सेंटर कटक में मुझे एफ सी स्कूल में जॉब मिली वो मैंने छोड़ी पहले, वो तो वैसे इत्तेफाक से छोड़ दी, अब ये इनके इरादे से छोड़ी। तो अगर ऐसे लोग मिल जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम बच्चों को प्रॉपरली अपनी काविश है जी, हम मॉडल होंगे, खुद को बदलेंगे, खुद को नसीहत नहीं करेंगे तुम्हें ये करना चाहिए, मैं करके दिखा दूंगा, जो किसी को समझ आ गई वो कर लेगा, जो ना समझ आ गई वो आपसे कर लेगा। तो हम खुद रोल मॉडल होंगे, हम नसीहत वो नहीं है कि जैसे स्पीकर ऑन किया तो नसीहतें चलनी शुरू हो गई, मैं बदलना चाहूँ मैं बदल जाऊँ तो मैं, मेरे इर्द गिर्द मेरे घर में भी बच्चे हैं, मेरे स्कूल कॉलेज में भी बच्चे हैं, वो मुसलसल मुझे वॉच करेंगे ऑब्जर्व करेंगे। बाजवा साहब मैं अपने बच्चों को ना कॉलेज में कहता हूँ कि यार आप मेरे बेटे हो, एक तो मजाक भी बड़े जरीफाना बात हो जाती है, तो एक दिन मुझे बच्चा कहता है सर जी बात ठीक नहीं मुझे लगी, मैंने क्या कहा, कहते हैं सर कितनी क्लासों को पढ़ाते हैं, मैंने कहा सात, कहते हैं एक क्लास में एवरेज कितने हैं, मैंने कहा एवरेज तो 50 है, कहते हैं मल्टीप्लाई करें कितने आपके बच्चे हो सकते हैं, मैंने कहा यार जिस तरह तुम कह रहे हो ना उस तरह नहीं हो सकते, लेकिन ये है कि मैं इनको और तरीके से समझ लूँ। फिर मैं कहता हूँ यार आप, मैं आपको बेटा समझ लूँ, अब वो मैं उस्ताद और बेटे का एक रिश्ता रखता हूँ, मैं इसको रिश्ता कहता हूँ, वैसे नहीं कहता मेरा एक रिश्ता है, जैसे माँ और बाप का आपसे रिश्ता है, जैसे बहन और भाई का रिश्ता है, मेरे साथ वो रिश्ता निभाओ। सर लिटरल एक दिन एक बच्चे ने कहा सर ये मजाक करते हैं या वैसे करते हैं, सही कहते हैं आप, ये हम दे नहीं पाते, असल तो बात ये है कि ड्रामा लगता है इसलिए हमारे साथ ऐसे हुआ होगा, किसी और के साथ ऐसा हुआ होगा, अगर हकीकत का रूप ये चीज़ें डालेंगी तो चीज़ें कहते ना कि जब फहम अदराक और इस कामली अजहार चीज़ों के तशक्ल का सबब बनते हैं, जब हम हमें फहम आ जाए अदराक आ जाए और हम अमली तौर पे चीज़ें करनी शुरू कर दें तो चीज़ें वजूद में नहीं होती ना, वजूद मिल जाता है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप
जैसे असातिज़ा के साथ, दोस्तों अहबाब के साथ मिलके मैं इंशाल्लाह ताला जी जो मैं कर सका हूँ पूरा रोल प्ले करने के लिए हर दम तैयार, और इस मजल्ले का अगर पहला खरीदार हो सका तो पहला मैं, वरना पहले आप दूसरा मैं इंशाल्लाह ताला। उधर चाय वाले खोखे पर में बात हो रही थी कि किला दीदार सिंह के टॉप दिमाग बताएं, वो बात हो गई कि वो राणा खार साहब हैं, जगावला ज्वेलर साहब हैं और दीगर, फिर हुआ कि वो शख्सियत बताएं कि जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा सलाहियतें दी लेकिन उन्होंने पूरा फायदा नहीं उठाया। तो उनमें एक हमारे मोहतरम प्रोफेसर सिद्दीक मान साहब, अल्लाह ताला उन पे रहमत फरमाए, अल्लाह उनकी कमियों को माफ फरमाए, उनका नाम आया। तो मैं चाहता हूं कि जिनका अब ये नाम आ रहा है कि वो अभी इस दुनिया में हयात हैं, वो कुछ काम कर ले और हमें अपनी खिदमत का मौका दें। मैं गुजारिश करूंगा मुहतरम मुकर्रम जनाब सज्जा इकराम और मेरे दोस्तों साहब लेते हैं। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। जनाब मुहतरम राणा नासिर साहब, शायद मैं गलत हूँ, बहरहाल